हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बाइनरी टू प्रयागराज। मैं अतुल शुक्ला आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्विच केस स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा और उससे रिलेटेड हमने कुछ प्रोग्राम्स किए। आज हम लोग इटरेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शन या फिर लूप के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे आने वाले जितने भी टॉपिक हैं, मत कहने का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब तक हम लोग लूप नहीं पढ़ते हैं तब तक तो ठीक है, अदरवाइज इसके आगे जितना कुछ भी हमें पढ़ना है वो लूप से रिलेटेड ही पढ़ना है। कहीं कहीं ना कहीं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली लूप का यूज हम अपने प्रोग्राम में करेंगे, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। वैसे लूप होता क्या है, जनरल सेंस से आप इसको समझ लीजिए कि लूप का मतलब होता है रिपीटेशन से। मतलब कि अगर कोई भी चीज़ लूप हो रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वो चीज़ रिपीट हो रही है। अगर लूप एक टेक्निक होगी जिसके माध्यम से हम अपने प्रोग्राम के किसी पार्टिकुलर पोर्शन को पार्टिकुलर टाइम पे, मतलब किसी प्रोग्राम के हिस्से को हम लोग जितनी बार चाहें वो डेफिनेट नंबर टाइम पे हम लोग उसको उतनी बार एग्जीक्यूट करा सकते हैं। जैसे मान लो कि आपने प्रोग्राम में अपना नाम प्रिंट कहीं पर प्रिंटर में लिख कर प्रिंट कराया हुआ है। अब लूप एक ऐसी टेक्निक है कि आप अपने नाम को जितनी बार चाहें, सिर्फ एक दो दो से तीन लाइन का कोड लिख के आप अपने नाम को उतनी बार प्रिंट करा सकते हैं। अगर मान लो अगर आपके अपने नाम को 10 बार प्रिंट कराना है और सिंपली आप इस काम को कराएंगे तो आपको 10 टाइम प्रिंटअप लिखना पड़ेगा। लेकिन लूप एक ऐसी टेक्निक है जिसके माध्यम से आपको 10 बार अपना प्रिंटअप लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए समझते हैं लूप के बारे में कुछ टेक्निकल बातें। इटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट इज आल्सो नोन एज रिपीटेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शन और लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। जो इटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट होता है उसको हम लोग रिपीटेटिव, मतलब जो चीज़ रिपीट हो रही है उसको रिपीटेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शन या फिर लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ध्यान रखना है कि इसके नाम से रिलेटेड भी हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चीज़ें जितने भी हैं आपके सामने आपको बताई जा रही हैं वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी। हर एक बात का अपना एक मतलब होता है, चीज़ों को ध्यान से देखिए जिससे आपकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। द लूप स्टेटमेंट इज इसेंशियल टू कंस्ट्रक्ट सिस्टमेटिक ब्लॉक ऑफ सी प्रोग्राम विच यूजर्स वॉन्ट टू एग्जीक्यूट मोर देन वन टाइम। मतलब ये सिस्टमेटिक तरीके से किसी भी चीज़ को एक बार दो बार या फिर जितनी टाइम आप रन कराना चाहें उतनी टाइम रन कराने की अपने आप में क्या है, टेक्निक है। लूप इन्वॉल्व्स रिपीटेशन ऑफ सम पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम आइदर ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम और अंटिल अ पार्टिकुलर कंडीशन इज बींग सेटिस्फाइड। और किसी भी एक कंडीशन के अकॉर्डिंग एक नंबर अब हम डिफाइन कर सकते हैं, एक डेफिनेट नंबर तक हम अपने प्रोग्राम को जितनी बार किसी पोर्शन को रन कराना चाहेंगे उतनी बार ही हमारा क्या होगा, रन होगा। आइए एक प्रोग्राम के थ्रू इस बात को समझते हैं कि लूप और सिंपल प्रोग्राम में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, अगर से हेलो वर्ड यहाँ पे हमने प्रिंट कराया है और यहाँ पे हेलो वर्ड को हमने 5 टाइम प्रिंट कराया, एक तो सिंपल तरीके से और दूसरा लूप के तरीके से। और यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है भाई कि यहाँ पे हेलो वर्ड 5 टाइम प्रिंट हुआ है, जबकि यहाँ पे हेलो वर्ड 5 टाइम यहाँ पे भी प्रिंट हुआ, लेकिन यहाँ पे हमें प्रिंटअप को 5 टाइम लिखना पड़ा, यहाँ पे हमने प्रिंटअप एक ही बार लिखा, हमारा प्रोग्राम क्या कर रहा है, रन कर रहा है। दोनों प्रोग्राम का आउटपुट जो होगा वो बिल्कुल सेम होगा, बशर्ते लिखने के तरीके में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो आप लोग अब तक इस बात को समझ रहे होंगे कि लूप एक टेक्निक है जिससे प्रोग्राम की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा या फिर अपने किसी भी पार्टिकुलर पोर्शन को हम लोग क्या करेंगे, इजिली रन करा सकते हैं। आइए कुछ बातों को समझते हैं। द लूप डायरेक्ट्स अ प्रोग्राम टू परफॉर्म अ सेट ऑफ ऑपरेशन अगेन एंड अगेन अंटिल अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज अचीव्ड। दिस कंडीशन इज कॉजेस द टर्मिनेशन ऑफ लूप। कहने का मतलब, जब भी कभी हम लूप का यूज करते हैं तो लूप के साथ में एक कंडीशन बनाते हैं और जब तक वो कंडीशन सही होती रहती है तब तक वो हमारा स्टेटमेंट क्या होता रहता है, रन करता रहता है, वो कंडीशन हमारी क्या होती है, रन होती रहती है। और जब वो कंडीशन गलत हो जाएगी तब वो कोड हमारा रन करना बंद कर जाएगा। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेशन ऑफ लूप, या फिर लूप हमारा क्या हुआ, टर्मिनेट हो गया है। अ लूपिंग प्रोसेस इज जनरल वुड इंक्लूड द फॉलोइंग 4 स्टेप्स। मतलब एक लूप प्रोसेस में सामान्यतः 4 चीज़ें होंगी। पहला, सेटिंग एंड इनिशियलाइजिंग द लूप वेरिएबल या फिर काउंटर वेरिएबल। देखो दोस्तों, लूप को हैंडल करने के लिए हम लोग कोई एक वेरिएबल बनाते हैं अलग से, जिसको हम लोग क्या किस नाम जानते हैं, लूप वेरिएबल या फिर काउंटर वेरिएबल। एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि काउंटर वेरिएबल क्या होता है, तो काउंटर वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जो कि लूप प्रोसेस को क्या करेगा, हैंडल करेगा। मतलब रिपीटेशन जो होगा हमारा इसको क्या करने वाला है, हैंडल करने वाला है।
तो आप जब लूप को जब कभी लूप के लिए आप लोग कोई चीज़ें लूप बना रहे होंगे तो लूप के लिए आपको सामान्यतः चार स्टेप को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। पहला तो आपको बनाना पड़ेगा किसको, काउंटर वेरिएबल को बनाना पड़ेगा। दूसरा टेस्ट फॉर स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ द कंडीशन वेरिएबल या फिर काउंटर वेरिएबल फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ लूप, मतलब लूप को कितनी बार चलना है इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, कंडीशन बनानी पड़ेगी और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो पॉइंट नंबर हमारा क्या हुआ, टू हुआ। तीसरी बात, एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट्स इनसाइड द लूप बिटवीन पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट, मतलब लूप का जो पोर्शन है फिर जो कुछ भी हमें रन कराना है, जिस पार्ट को हमें रन कराना है, रिपीट कराना है, वो अपने आप में क्या होगा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर होगा, उसे हम लोग क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज कर लेंगे। जो चौथी बात आएगी वो क्या होगी, अपडेटिंग। अपडेटिंग का मतलब होगा इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट, मतलब लूप की जो वैल्यू हम इनिशियलाइज करेंगे, जो काउंटर वेरिएबल की वैल्यू हम लोग इनिशियलाइज करेंगे जो कि पार्टिकुलर कंडीशन तक रन करेगा, वो इंक्रीमेंट होगा या तो डिक्रीमेंट होगा। जब तक वो उस कंडीशन तक वो वैल्यू नहीं पहुंच जाएगी तब तक वो काम नहीं होगा। जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीजर आई, इंटीजर आई, और फिर हमने लिखा फॉर आई असाइनिंग टू जीरो आई लेस देन फाइव आई प्लस प्लस। कहने का मतलब आई की जो वैल्यू है, इंटीजर आई नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया, इंटीजर आई नाम का वेरिएबल बनाने के बाद हमने आई असाइनिंग टू जीरो लिखा। आई असाइनिंग टू जीरो लिखने का मतलब आई के अंदर कौन सी वैल्यू इनिशियलाइज हो गई, जीरो इनिशियलाइज हो गया। अब फिर हमने लिखा आई लेस देन फाइव, आई हमारा किससे छोटा होना चाहिए, पाँच से छोटा होना चाहिए। और फिर आई प्लस प्लस, आई हर बार क्या करेगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे हमने तीन बातों को एक साथ में लिख दिया गया है। पहला पॉइंट जो कहा जाएगा वो कहा जाएगा इनिशियलाइजेशन ऑफ काउंटर वेरिएबल, ये कंडीशन होती है और ये अपडेशन होता है, ये तीन चीज़ें होती हैं लूप से रिलेटेड। अब मान लो आई नाम का एक वेरिएबल बना जिसके अंदर वैल्यू हमने क्या रख दी, जीरो रख दी। अब कंडीशन की बात आएगी, लूप हमारा क्या करेगा, आई लेस देन इक्वल टू, आई लेस देन क्या लिखा हुआ, फाइव लिखा हुआ है। आई लेस देन फाइव जब लिखा हुआ तो चेक करेगा कि आई की वैल्यू हमारी पाँच से छोटी है कि नहीं छोटी है। तो भाई सिंपल सी बात है, जीरो हमारा फाइव से क्या है, छोटा है। तो ये भी स्टेटमेंट सही हो गया। फिर चेक होगा आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस इसको हम लोग जानते हैं क्या सा ये इंक्रीमेंट है, और कैसा इंक्रीमेंट है, पोस्ट इंक्रीमेंट है, मतलब पहले फर्दर जो नीचे लिखी गई चीज़ें वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी, फिर आई के अंदर क्या होगा, वैल्यू बढ़ेगा। तो कहने का मतलब ये प्रिंट करेगा, प्रिंट हेलो, हेलो वर्ड को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा, और आई में एक वैल्यू क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, वन हो गई। वन होने के बाद ये लूप बॉडी से, ये हमारी क्या होती है, लूप बॉडी होती है, लूप बॉडी से हमारा कंट्रोल बाहर नहीं जाएगा तब तक जब तक ये हमारी कंडीशन गलत नहीं हो जाती है। फिर से आई की वैल्यू इंक्रीज होके कितनी हो गई, वन हो गई। अब यहाँ पे लिखा हुआ है वन लेस देन इक्वल टू फाइव, भाई फाइव हमारा, वन जो है हमारा वो छोटा है, तो एक बार ये जीरो पे चलेगा, एक बार ये वन पे चलेगा, एक बार ये टू पे चलेगा, थ्री पे चलेगा, फोर पे चलेगा और फाइव पे चलेगा। अगर यहाँ पे इक्वल टू हमने नहीं लगाया होता तब ये पाँच पे पहुँचते ही क्या हो जाता, टर्मिनेट हो जाता। फाइव होने के बाद जैसे यहाँ पे वैल्यू सिक्स होगी तो लिख के आएगा सिक्स लेस देन इक्वल टू फाइव, क्या हमारा छः छोटा या फिर बड़ा है, बराबर है पाँच के, तो यहाँ पे ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फाल्स हो जाएगी और हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल लूप बॉडी से बाहर आ जाएगा। तो टोटल प्रिंटिंग का टाइम कितनी बार होगा, एक दो तीन चार पाँच छः, मतलब टोटल हमारा प्रिंट हेलो वर्ड कितनी बार प्रिंट करेगा, सिक्स टाइम प्रिंट करेगा। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि हमें इसमें से टोटल रिलेटेड कितनी बातों का ध्यान में रखना होता है। हमें काउंटर वेरिएबल बनाना है, उसका इनिशियलाइजेशन करना है, उसकी कंडीशन लिखनी है और उसका अपडेशन करना है। अपडेशन इंक्रीमेंट पे भी हो सकता है, डिक्रीमेंट पे भी हो सकता है। ये चीज़ें आगे चल के प्रोग्राम के थ्रू आपको और भी क्लियर होंगी, अभी के लिए आपको इतने पॉइंट को ध्यान में रखना है। आइए आगे बात करते हैं, काउंटर वेरिएबल क्या होता है। अ वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड एंड यूज फॉर हैंडल द लूप इज कॉल्ड काउंटर वेरिएबल। ऐसा वेरिएबल जो लूप को हैंडल करने के लिए, लूप को कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है उसको क्या बोला जाता है, काउंटर वेरिएबल बोला जाता है। अब देखो दोस्तों, बात करते हैं टाइप्स ऑफ लूप की। किसकी बात करते हैं, टाइप्स ऑफ लूप की। तो आपको एक बात का ध्यान में रखना है कि लूप कितने तरीके के होते हैं। तो देखो दोस्तों, लूप जो होगा हमारा वो दो तरीके का होगा। कितने तरीके का होगा, दो तरीके का होगा।
एक तरीके को बोलेंगे हम लोग इंट्री कंट्रोल लूप और दूसरे को बोलेंगे एग्जिट कंट्रोल लूप। इंट्री कंट्रोल लूप, एग्जिट कंट्रोल लूप, कहने का मतलब ऐसा लूप, ऐसा स्टेटमेंट जो कि इन प्रोग्राम में रन करने से पहले, किसी भी स्टेटमेंट को रन करने से पहले अगर कंडीशन को चेक कर लेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्री कंट्रोल लूप। इसमें हमारा व्हाइल लूप आएगा और फॉर लूप आएगा इंट्री कंट्रोल लूप में, एग्जिट कंट्रोल लूप में हमारा डू और व्हाइल लूप आएगा। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी कि लूप हमारा कितने तरीके का होता है, दो तरीके का होता है। कौन कौन सा, इंट्री कंट्रोल लूप एंड एग्जिट कंट्रोल लूप। और जो इंट्री कंट्रोल लूप हमारा होता है वो इंट्री टाइम पे ही कंडीशन को चेक करेगा, और जो एग्जिट कंट्रोल लूप होगा वो एग्जिट करते टाइम पे कंडीशन को चेक करेगा। इनके बीच का क्या डिफरेंस होता है इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे, क्योंकि एग्जाम में बहुत क्लियरली आया हुआ है और कई बार आता है। यहाँ पे आपको व्हाइल, डू और फॉर तीन के तीनों क्या है, कीवर्ड है। तीन के तीनों क्या है, कीवर्ड है। इनका मतलब पहले से कंपाइलर को हमारे पता होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी कंटेन्स थ्री स्टेटमेंट्स फॉर लूपिंग, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी में तीन तरीके के लूप पाए जाते हैं। कौन कौन से, तीन प्रकार के लूप पाए जाते हैं, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर लूप। कौन कौन से, व्हाइल लूप कहने का मतलब लूप को एग्जीक्यूट करने के लिए या फिर लूप को अप्लाई करने के लिए हमारे पास तीन प्रकार के लूप होते हैं, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप। आइए बात करते हैं हम लोग व्हाइल लूप के बारे में। किसके बारे में, व्हाइल लूप के बारे में। व्हाइल लूप इज एन एंट्री कंट्रोल लूप। क्या है व्हाइल लूप हमारा, क्या है, कैसा लूप है, एंट्री कंट्रोल लूप है। व्हाइल लूप कंस्ट्रक्ट कंटेन द कंडीशन फर्स्ट, मतलब यहाँ पे पहले कंडीशन लिखी जाएगी। इफ द कंडीशन इज सेटिस्फाइड, जब पहले कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी, द कंट्रोल एग्जीक्यूट्स द स्टेटमेंट्स फॉलोइंग द व्हाइल लूप एल्स, तब जाके क्या होगा, नीचे लिखा गया स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। नहीं तो इट इग्नोर्स दीज स्टेटमेंट्स, नहीं तो इस स्टेटमेंट को क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा, और लूप क्या होगा, कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। सिंटेक्स क्या होगा, इनिशियलाइजेशन ऑफ काउंटर वेरिएबल, सबसे पहले हमें काउंटर वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन करना है, फिर हमें व्हाइल कीवर्ड लिखना है, और व्हाइल कीवर्ड के साथ हमें क्या लिखनी है, कंडीशन लिखनी है, फिर कर्ली ब्रैकेट लगाना है, फिर हमें स्टेटमेंट लिखना है, वो स्टेटमेंट जिसे हम रिपीट कराना चाहते हैं, फिर जो भी काउंटर वेरिएबल होगा उसी का हम लोग इंक्रीमेंट भी कराएंगे और डिक्रीमेंट भी कराएंगे, जिसकी ज़रूरत होगी वो हम कराएंगे, वो प्रोग्राम की नीड के अकॉर्डिंग होता है। आइए एक प्रोग्राम के थ्रू हम लोग इस बात को समझते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट स्टेटमेंट, दिस इज व्हाइल लूप 10 टाइम्स यूजिंग व्हाइल लूप। कहने का मतलब हमें एक स्टेटमेंट प्रिंट कराना है, कौन सा स्टेटमेंट होगा, दिस इज व्हाइल लूप, और कितनी टाइम प्रिंट कराना है, 10 टाइम प्रिंट कराना है, और किस लूप की मदद से कराना है, व्हाइल लूप की मदद से कराना है। देखो दोस्तों, एक बात मैं बहुत क्लियरली आपको बता देना चाहता हूँ कि ये तीन, तो आपने तीन तरीके के लूप देखे, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप एंड फॉर लूप, और इन तीनों के तीनों लूपों का काम जो होता है वो बिल्कुल सेम होता है, बिल्कुल सेम वर्क होता है। मतलब अगर कोई भी प्रोग्राम आपका व्हाइल लूप से बन सकता है तो डू व्हाइल लूप से भी बन सकता है और फॉर लूप से भी बन सकता है। बस तीनों के सिंटेक्स में क्या होता है, डिफरेंस होता है, तीन के तीनों लूप के सिंटेक्स में डिफरेंस होता है, इनके वर्क में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या समझना है, प्रोग्राम जब भी कभी लूप से रिलेटेड हम कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो हमें ये डिसाइड करना होगा, ये सोचना होगा कि किस स्टेटमेंट को हमें रिपीट कराना है और कितनी बार रिपीट कराना है। कभी कभी ये प्रोग्राम में क्लियरली दिया रहेगा और कभी कभी ये प्रोग्राम में क्लियरली दिया भी नहीं रहेगा, लेकिन चीज़ें अंडरस्टूड होंगी, आपको चीज़ें सोचने पर समझ में आएंगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हेडर फाइल बनाएं। हेडर फाइल बनाने के बाद हमने मेन फंक्शन लिखा, हमने यहाँ पे लिख दिया इंटीजर आई असाइनिंग टू वन। ये क्या हो गया, इनिशियलाइजेशन ऑफ काउंटर वेरिएबल। यहाँ पे आई हमारा क्या है, काउंटर वेरिएबल है जो कि लूप को क्या करेगा, हैंडल करेगा। लूप को हमने डिक्लेयर भी किया और क्या किया हुआ है, इनिशियलाइज भी किया हुआ है। अब यहाँ पे लिखा व्हाइल आई लेस देन इक्वल टू 10, आई हमारा छोटा होगा फिर बराबर होगा कितने का, 10 के। हमारा आई जो होगा वो छोटा हो सकता है लेकिन बड़ा नहीं हो सकता है, छोटा भी हो सकता है बराबर भी हो सकता है 10 के,
लेकिन ये कभी भी 10 से बड़ा नहीं होगा। आई होप आप समझ गए होंगे बात को। यहाँ पे फिर इसके बाद हमने लिखा प्रिंट अप दिस इज व्हाइल लूप। हमने क्या लिखा, दिस इज व्हाइल लूप, वो स्टेटमेंट जिसे हमें क्या करना था, प्रिंट कराना था। फिर हमने क्या लिख दिया, आई प्लस प्लस, इसी को क्या बोलेंगे, अपडेशन ऑफ लूप। अपडेशन ऑफ लूप पे यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट मेथड को यूज किया है, तो इंक्रीमेंट करा के हमने क्या करा रहे हैं, इसको लूप को हैंडल कर रहे हैं। और इसके बाद हमने अपना क्या कर दिया, कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया है। अब आइए समझते हैं कि लूप की वर्किंग कैसे होगी या फिर लूप काम कैसे करेगा। तो सबसे पहले जैसे हमने पहली लाइन क्या लिखी, इंटीजर आई असाइनिंग टू वन, इसका मतलब हमारे मेमोरी में कहीं पे आई की वैल्यू वन क्या हो जाएगी, इनिशलाइज हो जाएगी। और यहाँ पे क्या लिखा, व्हाइल जब तक, या फिर हमने क्या पढ़ा, जब तक आई लेस देन इक्वल टू टेन, ये तब तक रिपीट होगा जब तक आई की वैल्यू छोटी होगी या फिर बराबर होगी कितने के, 10 के। तो आई की वैल्यू कितनी यहाँ पे, 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 10, बिल्कुल कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो नीचे लिखा गया स्टेटमेंट क्या कर जाएगा, प्रिंट कर जाएगा। और ये स्टेटमेंट प्रिंट कर गया दिस इज व्हाइल लूप, और ये कितनी बार प्रिंट कर गया, एक बार, तो 1 पे प्रिंट कर गया। और फिर क्या लिखा है, आई प्लस प्लस। देखो दोस्तों, आई प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, आई असाइनिंग टू आई प्लस वन, आई असाइनिंग टू आई प्लस वन। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, आई प्लस वन, आई प्लस वन, आई की वैल्यू है 1, और 1 में 1 कितना जुड़ा, 1 में 1 जुड़ा कितना हो गया, 2। तो इतना टोटल कितना आ गया, 2 आ गया। और 2 किस में असाइन हो गया, आई में असाइन हो गया। अब आई की वैल्यू 1 ना हो गया, कितनी हो गई, 2 हो गई। और अब ये जो कंडीशन चेक करेगा कितने पे करेगा, 2 पे चेक करेगा, और चेक करेगा 2 लेस देन इक्वल टू 10, 2 हमारा 10 से छोटा है। हाँ भाई, 2 हमारा 10 से छोटा है, तो फिर से ये स्टेटमेंट प्रिंट कर जाएगा, कौन सा, दिस इज व्हाइल लूप। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बार 2 पे भी प्रिंट कर जाएगा, इस तरीके से 3 पे भी प्रिंट कर जाएगा। हर बार ये प्रिंट करेगा, हर बार कंडीशन चेक करेगा, और हर बार इसका इंक्रीमेंट होगा, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे, और 10 पे। 10 तक तो ये कंडीशन ट्रू होगी, जब 10 टाइम पे ये प्रिंट करेगा तो यहाँ पे आएगा, तो आई असाइनिंग टू आई प्लस प्लस, मतलब 10 में 1 जुड़ गया और 11 हो गया। और उसके बाद ये कंडीशन चेक करने के लिए वापस यहाँ पे गया, तो यहाँ पे 11 लेस देन इक्वल टू 10, मतलब 11 जो है हमारा, वो हमारा 10 से छोटा है या फिर बराबर है। तो दोनों, दो में से कोई भी कंडीशन इवेलुएट नहीं हो रही है, इस वजह से हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल ये लूप बॉडी से बाहर निकल जाएगा। और लूप बॉडी से बाहर निकलने पर इसे क्या मिल रहा है, गेट सी एच मिलेगा, और गेट सी एच मिलने के बाद हमारा प्रोग्राम क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हमारे इस लूप की वर्किंग कैसे होती है, लूप हमारा वर्क कैसे करता है या फिर काम कैसे करता है। आइए एक और प्रोग्राम के थ्रू इस बात को समझते हैं। ये प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 150, मतलब हमें नंबर से प्रिंट कराने हैं, काउंटिंग प्रिंट करानी है, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 150 तक। बिल्कुल इजी प्रोग्राम होता है ये, हैज इंक्लूड स्टूडियो डाटेज, हैज इंक्लूड कोनियो डाटेज, वाइड बैंड। हमने इंटीजर है आई साइनिंग टू 1 लिख दिया, व्हाइल आई लेस देन इक्वल टू 150, व्हाइल आई लेस देन इक्वल टू 150, मतलब ये तब तक प्रिंट करेगा जब तक आई की वैल्यू, जब तक आई की वैल्यू हमारी छोटिया होगा या फिर बराबर होगा 150 के। भाई ये तो कंडीशन आई होप समझ में आ गई होगी आपको। और प्रिंट किसको करना है, आई को ही प्रिंट करेगा। यहाँ पे हमने प्रिंटअप में क्या लिखा हुआ है, प्रिंटअप पर्सन साइन 2D, हमने क्या लिखा हुआ है, प्रिंटअप पर्सन साइन 2D आई। 2D का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फील्ड विथ स्पेसिफायर, क्या बोलते हैं, फील्ड विथ स्पेसिफायर। देखो दोस्तों क्या होगा, अगर नॉर्मली प्रिंट करेगा तो 1 प्रिंट करेगा, 2 प्रिंट करेगा, 3 प्रिंट करेगा, 4 प्रिंट करेगा। एक तरीके से देखने में आप लोग को लग रहा है कि ये 1234 लिखा हुआ है, मतलब 1234 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कन्फ्यूजन हो सकती है। अगर इसी बात को हम ऐसे लिखें 1, 2, 3, 4, तो इनके बीच में थोड़ा सा क्या है, गैपिंग है, और इस गैप से हमें पता चल रहा है कि नंबर सेम नहीं है, क्या है, अलग अलग है। तो आई होप समझ गए होंगे आप लोग। तो जब कभी ये जो परसेंट साइन 2D होता है, ये क्या होता है, फील्ड विथ स्पेसिफायर होता है। जब हम सिंपली परसेंट साइन D का यूज करते हैं, तो ये दो प्रिंटअप के, मान लो दो स्टेटमेंट के बीच में कितने का गैप ले रहा है, 0 का गैप ले रहा है। जब हम लोग 2D लिख रहे हैं तो 1 का गैप ले रहा है, जब 3D लिखेंगे तो 2 का गैप लेगा। तो कहने का मतलब ये होता है हमारा क्या, फील्ड विथ स्पेसिफायर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फील्ड विथ स्पेसिफायर।
जिसका मतलब क्या होता है कि मान लेते हैं हमें लूप के थ्रू कोई भी नंबर्स प्रिंट कराने हैं, तो इसके बीच में जो गैप होगा, इस गैप को जनरेट करने के लिए हम लोग फील्ड विथ स्पेसिफायर का क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसका ना तो नंबर से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, ना तो नंबर से एडिंग हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए, हमने इस स्टेटमेंट के अलावा भी यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, और इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि इस दोनों स्टेटमेंट की जगह पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने पहले प्रिंटअप लिखा, उसके अलावा हमने इंक्रीमेंट कराया, यहाँ पे हमने एक साथ में इंक्रीमेंट करा दिया। दोनों लाइनें सेम हैं, दोनों के लिखने पर आउटपुट हमारा क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये रहा हमारा प्रोग्राम नंबर्स को प्रिंट कराने का। आइए किसी नेक्स्ट प्रोग्राम पे बात करते हैं। देखो दोस्तों, ये प्रोग्राम जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये प्रोग्राम्स आप व्हाइल लूप से भी बनाइएगा, डू व्हाइल से भी बनाइएगा, फॉर से भी बनाइएगा, क्योंकि ये सब प्रोग्राम्स एग्ज़ाम में आते हैं, और किस लूप पे आते हैं ये बातें करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आते ज़रूर हैं। आप देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर, तो वहाँ पे ऐसे एग्ज़ाम्स आए हुए हैं, इसी से क्वेश्चंस बनते हैं। अगला प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अ टेबल ऑफ एनी नंबर, द नंबर इज इनपुटेड थ्रू द कीबोर्ड यूजिंग व्हाइल लूप। कहने का मतलब, किसी भी नंबर का टेबल, टेबल बोले तो पहाड़ा, पहाड़ा आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वो जैसे 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, ये जो होता है, किसी भी नंबर का टेबल आपको प्रिंट कराना है, वो जो किस नंबर का प्रिंट कराना है ये यूजर डिसाइड करेगा। यूजर जो कुछ भी नंबर इंटर करे, उस नंबर का टेबल क्या हो जाए, प्रिंट कर जाए। आइए बनाते हैं इस प्रोग्राम को। तो यहाँ पे लिखा हुआ हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैज इंक्लूड कोनियो डॉट एच, वाइड मैन, हमने इंटीजर ए लिया है, और यस असाइनिंग टू वन लिखा है। एक दो वेरिएबल हमने बनाया, एक ए, एक हमने क्या बनाया, यस बनाया। ए के अंदर तो हमने कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की है, लेकिन यस के अंदर हमने वन क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया गया है। CLRSCR हमने लगा दिया, जो कि क्या करेगा, हमारे प्रीवियस प्रोग्राम के जो आउटपुट होंगे, जो इससे पहले जो कुछ भी अपने प्रोग्राम में प्रोग्राम बनाए रहे होंगे, उसका जो स्क्रीन पे आउटपुट आ जाता है हमारा, उस आउटपुट को क्या कर देगा, क्लियर कर देगा। फिर हमने लिखा इंटर द नंबर, वो नंबर इंटर करिए जिसकी आपको टेबल चाहिए, स्कैनअप के थ्रू हमने क्या करा लिया, उस नंबर को स्टोर करा लिया। अब मान लो यूजर ने एक नंबर करा दिया, एक नंबर प्रिंट करा दिया, वो नंबर क्या हो जाता है हमारा, ए असाइनिंग टू 10, या फिर ए की वैल्यू यूजर ने क्या दे दी, 10 की टेबल उसे प्रिंट करानी है। जब यूजर को 10 की टेबल प्रिंट करानी है, फिर हमने क्या लिखा, व्हाइल यस लेस देन इक्वल टू 10। देखो दोस्तों, क्या होता है, हम किसी भी नंबर की जब टेबल पढ़ते हैं, तो वनजा से लेकर टेंजा तक पढ़ते हैं। कहाँ से कहाँ तक पढ़ते हैं, वनजा से लेकर टेंजा तक पढ़ते हैं। इस वजह से हमने यस को, यस हमारा यहाँ पे काउंटर वेरिएबल के ओवर कर रहा है, तो यस की वैल्यू अपने वन से लेकर कहाँ तक रखी है, 10 के बीच में रखी है। अब आइए समझते हैं प्रोग्राम कैसे वर्क करेगा। ये एक तो मान लो यूजर को किसकी टेबल चाहिए भाई, ए की। ए की वैल्यू कितनी है, 10 है, और एक है हमारा यस, और यस की वैल्यू हमने कितना रखा है, 1 रखा है, और हमने लिखा यस लेस देन इक्वल टू 10। तो क्या हमारा यस जो है वो 10 से छोटा है, हाँ भाई ये 1 है, तो बिल्कुल छोटा है। और यहाँ पे लिखे हमने पर्सन साइन 4D, 4D मतलब है तो कितने का स्पेस लेगा, 3 का स्पेस लेगा, और क्या प्रिंट करेगा, ए मल्टीप्लाई बाई यस, ए मल्टीप्लाई बाई प्रिंट करेगा, तो मतलब 10 मल्टीप्लाई बाई 1 कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। तो पहली बार ये क्या प्रिंट करेगा, 10 1 जा 10, और फिर यस प्लस प्लस, यस की वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो यस की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे 2 हो गई। तो दूसरी बार क्या प्रिंट करेगा, 10 2 जा 20, फिर 10 3 जा 30, और इस तरीके से यस की वैल्यू जब तक 10 होगी तब तक ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा, और जैसे ही यस की वैल्यू 11 होगी, ये प्रोग्राम हमारा क्या कर जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा, या फिर हमारा लूप का प्रोसेस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। आई होप आपको एक बात समझ में आ गई होगी। आइए अब नेक्स्ट प्रोग्राम के थ्रू इसको बात करते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड एंड प्रिंट रिवर्स ऑफ ए गिवन नंबर। कहने का मतलब, रिवर्स नंबर क्या होता है, आपको समझना है कि रिवर्स नंबर आखिरकार होता क्या है। एक प्रोग्राम में कहा क्या गया है कि आप किसी कोई नंबर इंटर करिए और उस नंबर का रिवर्स नंबर निकालिए। जैसे मान लो कि आपने कोई नंबर लिखा, कितने डिजिट का आपने नंबर लिखा, आपने मान लेते हैं लिख दिया है 12, तो 12 का रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा, 21। आपने लिख दिया 123, तो इसका रिवर्स नंबर कितना हो जाएगा, 321। तो आपको करना क्या है, कोई एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि यूजर मान लो कोई नंबर इंटर करे, जैसे मान लो 125 पर यूजर ने इंटर कर दिया, तो आपको इस नंबर का आउटपुट में क्या आ जाए, इसका रिवर्स नंबर आ जाए, 521। आई होप बात समझ में आ गई होगी आपको किस प्रोग्राम में करना क्या है।
तो हैज इंक्लूड स्टीरियो डाटेज, हैज इंक्लूड कोनियो डाटेज, वाइड मेन, इंटीजर एन, हमने एक एन नाम का वेरिएबल बना लिया और हमने ए नाम का वेरिएबल बनाया और आर असाइनिंग टू जीरो, हमने आर असाइनिंग टू क्या लिख दिया, जीरो लिख दिया। सिल आर एस सी आर इंटर इन नंबर टू गेट रिवर्स, और हमने प्रिंटअप में एक मैसेज लिखा कि वो नंबर इंटर करिए जिसका आपको क्या चाहिए, रिवर्स नंबर चाहिए। और फिर हमने यहाँ पे लिख दिया स्कैन अप पर्सन आई डी एड्रेस ऑफ एन, मतलब यूजर ने जो कुछ भी नंबर इंटर करेगा वो किसके अंदर स्टोर होगा, एन नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। फिर हमने लिखा व्हाइल एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन, ये प्रोग्राम तब तक वर्क करेगा जब तक एन हमारा वन से क्या होगा, बड़ा होगा। एन की वैल्यू जब तक वन के बराबर होगी तब तक हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, रन करेगा। आइए देखते हैं प्रोग्राम बनेगा कैसे, इसकी कोडिंग देख लीजिए आप। मान लो यूजर ने एक नंबर इंटर कर दिया, वो नंबर क्या है 15, वो किसके अंदर स्टोर हुई, एन नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हुई। अब क्या होगा, हमने यहाँ पे लिखा है एन लेस देन इक्वल टू वन, एन ग्रेटर देन इक्वल टू 15 जो है हमारा वो एक से बड़ा है, हाँ भाई 15 हमारा जो है वो वन से क्या है, बड़ा है। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा, ए असाइनिंग टू, देखो हमारा एक ए नाम का भी वेरिएबल बना है और इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं रखी गई है, और एक आर नाम का भी बना है जिसके अंदर हमने क्या रख दिया, जीरो रख दिया है। जीरो रखने का मतलब क्या है कि कोई भी गार्बेज वैल्यू जो है वो इसमें स्टोर ना हो। अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा सर ये गार्बेज वैल्यू क्या होती है, तो देखो दोस्तों क्या होता है कि जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उस वेरिएबल में जगह तो बनती है, जगह के साथ साथ उस जगह पे जो हमारा कंपाइलर होगा वो कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यू रखेगा जिससे वो जगह क्या हो जाए, फिक्स हो जाए। उस जगह पे कोई, जैसे मान लो हम लोग बस से कहीं पे ट्रेवल करते हैं, जब कभी बस से ट्रेवल करते हैं तो होता है क्या है कि मान लो आप हो आपका कोई फ्रेंड है, अब आपका फ्रेंड नीचे कहीं पर पानी लेने चला गया फिर किसी काम के लिए चला गया, तो आप लोग क्या करते हो, उस जगह पर कुछ ना कुछ अपना बैग रख देते हो, कुछ सामान रख देते हो जिससे कि उस जगह पर कोई दूसरा आके ना बैठ जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि उस जगह को आपने फिक्स कर दिया। वैसे ही कंपाइलर जब कोई वेरिएबल बनाता है तो हो सकता है कि बनाते टाइम पे उसकी हम कोई वैल्यू इनिशियलाइज ना करें, तो कंपाइलर अपने से कुछ ना कुछ वैल्यू रख देता है, वैल्यू क्या होगी इससे ये मैटर नहीं करता है, कंपाइलर अपनी मर्जी से रख देता है, और वो जो वैल्यू होगी उसी वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, गार्बेज वैल्यू बोलते हैं। और जब हम आप उसकी जगह पर अपनी वैल्यू को डालते हैं, अपनी वैल्यू को इनिशियलाइज कर देते हैं, तो वो कंपाइलर के द्वारा रखी गई वैल्यू क्या हो जाती है, हट जाती है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि गार्बेज वैल्यू होता क्या है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है ए असाइनिंग टू एन मॉडुलस 10। अब ए असाइनिंग टू क्या है, एन मॉडुलस 10, तो ए की वैल्यू कि भाई एन मॉडुलस 10 होगा, तो ये एन मॉडुलस 10 का मतलब क्या होगा, 10 डिवाइडेड बाई 10, तो क्या हो जाएगा, 10 वन जा 10, तो इसका क्वेश्चन जो आ गया वो आ गया 1, और रिमाइंडर कितना आ गया, 5 आ गया। तो जो मॉडुलस ऑपरेटर है ये किसको स्टोर करता है, ये हमेशा और हमेशा रिजल्ट को स्टोर करता है। तो एक की जगह पे तो भाई स्टोर हो गया 5, एक की जगह पे क्या स्टोर हो गया 5। और फिर हमने क्या लिखा, आर असाइनिंग टू आर मॉडुलस 10, आर असाइनिंग टू आर मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस ए, कहने का मतलब आर में असाइन हो जाएगा क्या, आर मल्टीप्लाई बाई 10, तो आर मल्टीप्लाई बाई 10, तो आर की वैल्यू कितनी है भाई, आर की वैल्यू है हमारी 0, और 0 मल्टीप्लाई बाई 10 होगा तो कितना आएगा 0, और 0 प्लस ए, ए की वैल्यू कितनी है 5, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों, 5 हो गई, 0 की जगह पे क्या हो गया 5 हो गया। और फिर नीचे क्या लिखा है, एन असाइनिंग टू एन डिवाइडेड बाई 10, एन में क्या हो जाएगा 10 से डिवीजन हो जाएगा, और एन में जब 10 से डिवीजन होगा तब क्या होगा कि इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि एन की वैल्यू अभी कितनी है, अभी एन की वैल्यू 15 ही है, और 15 डिवीजन 10 होगा तो डिवीजन ऑपरेटर क्या करता है, क्वेशेंट को रीड करता है, तो यहाँ पे कितना बच गया, 1 बच गया। और इस 1 का क्या करेंगे हम लोग, ये किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, एन के अंदर स्टोर हो जाएगा, तो अब एन की वैल्यू 15 ना होकर कितनी बची है, 1 बची है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि एन की वैल्यू अब 15 ना होकर कितनी हो गई है, 1 हो गई है। अब इसके बाद ये वर्क कंप्लीट हुआ, अब फिर से हमारा प्रोग्राम चेक करेगा, यहाँ पे आ गया कि एन जो है हमारा वो एक से बड़ा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए, एन जो है हमारा एक से बड़ा होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, इससे छोटा नहीं होना चाहिए। तो भाई बिल्कुल कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो फिर से रन करेगा, तो एन मॉडुलस 10 मतलब 10 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 10, तो ये कितनी बार जाएगा, 0 टाइम जाएगा,
और जीरो टाइम जाएगा तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, इसका क्वेश्चन कितना बचेगा, वन बचेगा। और इस बार क्या होगा, आर मल्टीप्लाई बाई टेन, आर साइन इन टू आर मल्टीप्लाई बाई टेन, अब आर की वैल्यू कितनी हो गई है, फाइव हो गई है, तो फाइव प्लस ए, ए की वैल्यू कितनी हो गई है, वन, क्योंकि एन मॉडुलस टेन का रिजल्ट कितना आएगा, वन आएगा, तो सॉरी टेन फाइव मल्टीप्लाई बाई टेन, तो फाइव मल्टीप्लाई बाई टेन कितना हो गया, फिफ्टी प्लस वन, और इसका रिमाइंडर कितना हो गया, आर की वैल्यू, आर की वैल्यू हो गई 51, और एन डिवाइडेड बाई टेन, एन डिवाइडेड बाई टेन होगा तो इसका रिजल्ट कितना आ गया, जीरो, तो एन लेस देन इक्वल टू, एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन, और यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाती है, फाल्स हो जाती है। जब फाल्स हो गया तो हम क्या देखते हैं कि रिवर्स ऑफ द नंबर इज पर्सन साइन डी आर, और आर की वैल्यू हमने कितनी देखी थी दोस्तों, 51, और इस तरीके से 15 का रिवर्स नंबर क्या आ गया, 15 आ गया। आप समझिए बात को कि इस प्रोग्राम को हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे डिवीजन ऑपरेटर के थ्रू उसका रिमाइंडर निकाला है, मॉडुलस ऑपरेटर के थ्रू हमने रिमाइंडर निकाला, डिवीजन ऑपरेटर के थ्रू हमने क्या किया, उसका डिवीजन किया है। आप प्रोग्राम को ध्यान से समझिए, एक बार फिर से समझने की कोशिश करिए इस प्रोग्राम में एग्जैक्टली हो क्या रहा है, कि देखिए हो क्या रहा है कि यहाँ पे मान लो इस बार किसी दूसरे नंबर पे करते हैं, तो मान लो कोई दूसरा नंबर हमारे पास 21 है और ये एन नाम के वेरिएबल के अंदर क्या हो गया, स्टोर हो गया। हमने क्या लिखा है, ए साइनिंग टू एन मॉडुलस 10, अगर इसका हम 10 से डिवीजन करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा, क्वेश्चन 2 आएगा और रिमाइंडर 1 आएगा, तो R नाम के वेरिएबल के अंदर हमारा रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। कैसे, देखिए समझिए बात को, मान लो नंबर हमारा कितना है, 21, जब हमारा नंबर 21 है तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे 10 21 डिवाइडेड बाई 10, 10 2 20, कितना बचा रिमाइंडर, 1। अब देखो मॉडुलस ऑपरेटर जो है वो हमेशा और हमेशा रिमाइंडर को रीड करता है, हमेशा और हमेशा किसको रीड करेगा, रिमाइंडर को रीड करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखो हमने तीन वेरिएबल बनाए हैं जहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 21 है, a की वैल्यू कितनी हो गई भाई, ए क्योंकि इसका जो मॉडुलस करने पर जो रिजल्ट आएगा वो किसके अंदर जाएगा, ए के अंदर जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, क्योंकि ए हमारा क्या है, रिमाइंडर आया है। तीसरा वेरिएबल है हमारा आर, आर की वैल्यू हमने क्या रखी है, 0 रखी है। अब हमने लिखा है आर असाइनिंग टू आर मल्टीप्लाई बाई 10, तो यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई बाई 10 होगा तो 0 ही आएगा, 0 प्लस ए, ए की वैल्यू कितनी है, 1, तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो अब ये वही वैल्यू किसमें स्टोर हो जाएगी, आर नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी, क्योंकि देखो दोस्तों यहाँ पे तीन ऑपरेटर लगे हैं, एक असाइनमेंट ऑपरेटर लगा है, एक मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेटर लगा है, एक प्लस का ऑपरेटर लगा है, तो पहले किसको सॉल्व होना है, पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व होना है, फिर एडिशन को होना है, फिर जो कंप्लीट रिजल्ट आएगा वो किसके अंदर जाएगा, आर के अंदर स्टोर होगा। इस वजह से आर की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। फिर नीचे लिखा है एन असाइन इन टू एन डिवाइडेड बाई 10, जब n डिवाइडेड बाई 10 होगा तो डिवीजन ऑपरेटर हमेशा किसको रीड करता है, क्वेश्चेंट को रीड करता है, तो इसका क्वेश्चन कितना है, 2, तो n की वैल्यू 21 की जगह पे क्या हो गई, 2 हो गई। अब ठीक है, अब जब 2 हो गया तो फिर से चेक करेगा n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, हाँ बिल्कुल स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, कंडीशन हमारी ट्रू है, तो फिर से नीचे के लिखे गए स्टेटमेंट क्या होंगे, रन होंगे, क्योंकि लूप क्या काम करता है, जब तक कंडीशन सही होगी तब तक उस पूरे के पूरे स्टेटमेंट को क्या कराएगा, रन कराएगा। ए साइनिंग टू एन मॉडुलस 10 फिर से हुआ, तब देखो एन की वैल्यू अब कितनी है, 21 ना होकर क्या हो गई, 2 हो गई। अब इसका डिवीजन किससे होगा, 10 से होगा, तो 10 जीरो जा 0, और इसका रिमाइंडर कितना बच गया, 2 बच गया, रिमाइंडर कितना बचा, 2। अब हमने ए की वैल्यू 1 ना होकर अब कितनी हो गई दोस्तों, 2 हो गई। अब आर असाइनिंग टू आर मल्टीप्लाई बाई 10, तो आर की वैल्यू पहले से कितनी है, 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 10 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, प्लस ए की वैल्यू कितनी निकल के आई, 2 निकल के आई, तो 10 प्लस 2 कितना हो गया, 12 हो गया, 10 प्लस 2 कितना हो गया, 12 हो गया। और फिर से क्या होगा, कंडीशन चेक होगी, n डिवाइडेड बाई 10 होगा तो इसकी क्वेश्चन कितना आया था, 0 आया था, तो 0 पे कंडीशन क्या हो जाएगी, वाइल वाली फाल्स हो जाएगी, फाल्स होने पे स्टेटमेंट से हम बाहर आ जाएंगे, और हमने प्रिंट किसको कराया, आर को प्रिंट कराया है, और आर के अंदर अभी क्या स्टोर है भाई, 21, आर के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, 21 और 12 हो जाएगा, 12 ही हमारा क्या है, रिवर्स नंबर है इसका, किसका, 21 का रिवर्स नंबर है।
आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, प्रोग्राम आपने समझ लिया होगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू बता सकते हैं, टेलीग्राम के थ्रू बता सकते हैं। हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे एक अगला प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर फ्रॉम 10 to 1। मतलब हमें एक कोई प्रोग्राम बनाना है, उसमें नंबर को क्या करना है, 10 to 1 तक नंबर को प्रिंट कराना है। अभी तक हमने 1 to 150, 1 से 10 तक हमने प्रिंट कराया। अब हम नंबर को रिवर्स थोड़ा सा डाउन टू अप टू डाउन नहीं करके डाउन टू अप कर रहे हैं, मतलब 10 to 1 कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्रोग्राम में करना क्या है। देखिए, हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैज इंक्लूड कोनियो डॉट एच, वाइड मेन, हमने आई की वैल्यू क्या ले ली, काउंटर वैल्यू की वैल्यू 10 ले ली। हमने यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल लगाया कि तब तक रन करेगा जब तक वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 हो, जब तक वैल्यू हमारी 1 से बराबर होगी या फिर बड़ी होगी। फिर पर्सन साइन 3D आई माइनस माइनस, यहाँ पे देखो प्रोग्राम में हमें डिक्रीमेंट कराने की जरूरत है क्योंकि 10 से लेके कहाँ तक प्रिंट कराना है, 1 तक प्रिंट कराना है। तो ऑपरेशन जो होगा वो इंक्रीमेंट पे भी हो सकता है, डिक्रीमेंट पे भी हो सकता है। जैसे इंक्रीमेंट होगा वैसे डिक्रीमेंट होगा। और फिर हमने क्या कर दिया, गेट सेट लिख दिया। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, इस प्रोग्राम को आप नोट कर लीजिए और हम लोग नेक्स्ट सेशन पे बात करेंगे कि हमें करना क्या है। और इस प्रोग्राम को जरा करने की अपने से कोशिश करिए। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड एंड प्रिंट द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। कहने का मतलब कोई ऐसा प्रोग्राम बनाइए जो कि पहले 10 नेचुरल नंबर का क्या करे, सम प्रिंट करे। देखो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है। इस तरीके से 1 से 10 तक के सारे नंबर का एडिशन जो होगा वो हमें क्या करना है, आपको प्रिंट करके बताना है। अपने से बनाने की कोशिश करिए। मिलते हैं इसी प्रोग्राम के साथ में नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।